हम सब घर के अंदर क्यों हैं? हम बाहर जाकर खेलना चाहते हैं माँ। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से, क्या तुम दोनों जानते हो कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में काफी जल्दी फैलता है। वो कैसे? जब कोई व्यक्ति जो कोरोना वायरस से संक्रमित है छींकता या खांसता है, तब उसके मुंह और नाक से निकलने वाली छोटी छोटी बूंदों में छुपा कोरोना वायरस उसके आसपास की हवा में तथा त्वचा, कपड़ों और पास ही रखी अन्य वस्तुओं में चिपक जाता है। और स्वस्थ व्यक्ति जब संक्रमित व्यक्ति के पास जाते हैं या फिर पास रखी वस्तुओं को छूते हैं, तो वायरस भी उनके हाथों में चिपक जाता है। और फिर जब वो उन्हीं हाथों से अपने चेहरे को छूते हैं, तो वायरस मुंह, नाक या आंखों के रास्ते उनके शरीर में घुस के उन्हें बीमार कर देता है। ओह, तो इस तरह से फैलता है कोरोना वायरस। फिर तो बहुत आसान है, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हम संक्रमित वस्तुओं से कम 6 फीट की दूरी पर रहे, अपने मुंह को, नाक को ढके रखें और उनके पास रखी चीजों को ना छुए। ठीक है ना माँ? हाँ, पर सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। ये कोरोना वायरस बड़ा ही छुपा रुस्तम है, इसलिए संक्रमण के बाद भी कई बार 14 दिनों तक ये पता ही नहीं चलता कि किसी व्यक्ति को संक्रमण है या नहीं। ओ, फिर हमें क्या करना चाहिए माँ? हर किसी व्यक्ति से कम 6 फीट की दूरी बनानी चाहिए। इसके अलावा हमें दिन में कई बार अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए, वो भी पूरे 20 सेकंड तक। हाँ, एक बात और, हमें अपने मुंह और नाक को रुमाल से ढकना चाहिए और आंख, नाक, कान को छूने से भी बचना चाहिए। अच्छा, आप समझी, इसीलिए आपने हमें वो मास्क और हैंड सैनिटाइजर दिया था ना माँ? और क्या। अरे भाई, जब हम जान ही गए हैं कि ये कोरोना वायरस कैसे फैलता है, तो क्यों ना उसे उसी की स्टाइल में हराएं? बिल्कुल सुपर हीरो की तरह।